उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना है कि उसे किस रूप में किसके साथ जाना है, और वो एक धीरे 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 स्थिति बन रही है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं, जहां से कल एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है किसानों का, विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है किसानों ने। उसका जमीन पर क्या असर होगा, क्योंकि पश्चिम में चुनाव होना है, पहले दौर का चुनाव 10 फरवरी को जो वोटिंग होनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है, और उसमें क्या रहेगा चुनावों में किसानों के इस विश्वासघात दिवस का असर, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे साथ पश्चिम से जुड़ रहे हैं, पश्चिम यूपी से विश्वराज चौधरी। हमारे साथ पहले भी विश्वराज इस चैनल पर आपको दिखाई देते रहे होंगे, नौजवान हैं और जमीन की जानकारी रखते हैं। विश्वराज, ये बताइए क्या होने वाला है विश्वासघात दिवस जो है, उसको किस रूप में किसान मनाएंगे, क्या होगा? सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। विश्वासघात दिवस के रूप में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आंदोलन जिस बातों पर जिन शर्तों पर किसान संगठन और सरकार केंद्र सरकार के बीच में जो खत्म हुआ था, उन शर्तों पर, जैसे कि MSP के लिए कमेटी बनाना, जो लोग किसान लोग शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा देना, उनको मुआवजा देना, और एक सरकारी नौकरी का प्रावधान था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे कि जो भी नई चीज सरकार इंप्लीमेंट करेगी वो किसानों संगठनों के साथ बैठ के बातचीत करेगी। आज उसको लगभग 2 महीने के आसपास होने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी काम आगे नहीं किया है, ना कोई कमेटी का गठन किया है। अब गांव में अंदर खाने लोग ये भी बात करने लगे हैं कि अगर यूपी भाजपा जीत जाती है, और एक आध स्टेट जो 5 राज्यों में जो चुनाव है वहां पर अगर भाजपा जीत जाती है, तो ना तो ये किसानों के लिए जो MSP गारंटी वाली जो कमेटी बनी है उस पर काम करेगी, और ना ही ये किसानों को मुआवजा देगी, ना उनको नौकरी देगी, और या जितने भी लगभग 70-80 हजार के आसपास जो केसेस लगे हुए हैं, जिसमें से अकेले हरियाणा में ही लगभग 50 हजार केस, ना उस पर काम करेगी और ना ही उन चीजों पर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। तो किसान संगठन और गांव का जो किसान मजदूर है जो उस आंदोलन में जिसका पूरा सपोर्ट था, वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है कि हमारे साथ एक अच्छा, धोखा मतलब किया गया आप है। कहना ये चाहते हैं कि किसानों को अब भरोसा हो गया है कि अगर ये सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी, फिर से चुन ली जाती है, तो मैसेज ये जाएगा कि उनको इग्नोर करके, किसानों की समस्या को इग्नोर करके जो मुहर लगेगी उसको भारतीय जनता पार्टी ये मान लेगी कि भाई जनता की भी मुहर है, किसानों के साथ चाहे कुछ भी करो, वोट हमें मिल गए, इसका मतलब किसानों की समस्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैसेज है। और शायद इसीलिए किसानों को लग रहा है कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर जाना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये उतरने का तरीका क्या होगा, क्या किसान कोई किसी मंच से ऐसा ऐलान करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे ये लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, विश्वासघात दिवस है इसको कैसे लेकर जाएंगे? जैसे सर, मेरी किसान संगठनों के काफी नेताओं से भी बात होती है, ग्रामीण प्रारूप में लोगों से भी बात होती है, तो उसमें जो कल जो कॉल है उसका यह है कि जो SDM और DM के जो दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उन पर विश्वासघात दिवस मनाएंगे, और उसमें लोगों को बताएंगे, देखो कि जनता हमारे हमारे को सरकार ने यह वादा किया गया था जिन पे अभी कोई काम नहीं शुरू किया है, तो DM SDM के कार्यालय पे इनके ज्ञापन दिए जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये इनका पहला फेस रहेगा, और दूसरे फेस में 3 फरवरी से पूरे देश में ये नो वोट फॉर BJP का कैंपेनिंग करेंगे, जैसमें ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने जो 500 लोगों के साथ जो सभा करने का जो अनुमति दी है उसी रूल को फॉलो करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में ये नो वोट फॉर BJP के कैंपेनिंग करेंगे। अच्छा, किसान जब नो वोट फॉर BJP अगर करेंगे तो क्या इसका असर जमीन पर होगा? क्या आपको लगता है कि लोग किसानों की बात को मानेंगे? कितना असर होगा इसका? सर, इसका डेफिनेटली असर होगा, पूरा असर होगा। आप एक लेटर पिछला एक एग्जांपल देख लें, पश्चिम बंगाल में भी ये किसान लोग गए थे और उन्होंने BJP को वोट देने के लिए मना किया था, और ये कहा था कि जो पार्टी जीत रही है, जो इनको हरा सकती है, आप उसको वोट कीजिए। सेम उसी पिच पे वो ये लोग जाके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जाके ये कैंपेनिंग करेंगे। अब आप यूपी का आप एक एग्जाम्पल देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा प्रभावित है, लखीमपुर खीरी तक का एरिया किसानों से पूरा प्रभावित है, और ऐसा किसान और कमेरा वर्ग है जिसने सोशल साइट पे जाके सपोर्ट किया, जिसने व्हाट्सएप पे सपोर्ट किया, जिसने फेसबुक पे सपोर्ट किया, और जो इमोशनली इस आंदोलन से जुड़ा था लेकिन वो फिजिकली बॉर्डर पे नहीं आया था। अब उनको टाइम आ गया है कि उस चीज को प्रूव करने के लिए वो वोट के चोट सरकार को करें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप कि किस तरह से ये किसान संगठन अब जमीन पर उतरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो
अमित शाह गली गली घूम रहे हैं, आज राजनाथ सिंह और ढेर सारे और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे स्थानों पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और रामदत्त जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामदत्त जी बताइए, आप इस चर्चा को सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं विभाग से एक ही चीज जानना चाहता था कि जैसे भारतीय किसान यूनियन का ये कहना था कि भाई वो गैर राजनीतिक संगठन है और चुनाव की राजनीति में नहीं पड़ते हैं, तो अगर वो बीजेपी को वोट ना दो इस तरह की बात कहेंगे तो फिर ये बहस नहीं उठेगी कि साहब आप राजनीति में, दलीय राजनीति में या चुनावी राजनीति में क्यों पड़ रहे हैं। सर देखो, इसमें एक चीज होती है, जब किसान धरना प्रदर्शन देते हैं, जब किसानों की एक सहमति बनती है, जब किसान और सरकार एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं और वो एक मुद्दे पे जाके एग्री कर जाते हैं, उसके बावजूद भी सरकार वो काम नहीं कर रही है, उन शर्तों पे, उस समझौते पे काम नहीं कर रही है, तो किसानों के पास अब एक ही मात्र उपाय बचा है कि इनको सत्ता से बाहर करो, तभी हमारी बात सुनेंगे। जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं सुनेंगे, जब तक इनको वोट की चोट नहीं पड़ेगी, तब तक ये हमारी बात मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये हर पैमाने को, हर एक विरोध को ये वोट से गिन देते हैं कि देखो साहब, हम गुजरात में जीत गए, या हम राजस्थान में जीत गए, या हम एमपी में जीत गए। तो ये इन सरकार ने एक नैरेटिव बनाया था कि देखो साहब, हमें तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये किसान है जो बिन बात का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब किसानों को समझ में आ गया है कि इनको सिर्फ वोट की चोट की भाषा समझ में आती है, और वो वोट की चोट की भाषा हम करेंगे। अब एक बात आती है सर आपकी, कि राजनीतिक और अराजनीतिक संगठन वाली, क्योंकि किसान जबरन तो कर नहीं सकता है ना, उसके हाथ में कोई कलम है ना पावर है, उसके हाथ में बस एक वोट की ही पावर है। जब उसको मौका मिलेगा, जब वोट की पावर उसको यूज करने का टाइम आएगा, तब वो वोट की पावर यूज करके सरकार को यह एहसास दिला देगा कि नहीं, आपको हमारे काम करने पड़ेंगे, हमारे पास भी पावर है, आप एक बार चुन के चले जाते हो, सत्ता में बैठ जाते हो, तो 5 साल आप हमारी नहीं सुनते, और आप ये दुहाई देते हो कि हमें तो जनता का मैंडेट मिला है, वो मैंडेट देने वाले हम ही हैं। अब 5 साल बाद वो टाइम आ गया है जहां हम आपको फिर से वोट की चोट करने वाले हैं, हम आपको अपनी मजबूती का, हम आपको अपने अपने संगठन का एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि किसान कमेरे की बात न सुनने के बावजूद आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, तो इसमें केवल भारतीय किसान यूनियन करेगी या जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें तमाम 300 350 संगठन है, सभी ये 3 फरवरी के इस अभियान में शामिल होंगे? इसमें पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी, इसमें भारतीय किसान यूनियन बीकेयू भी उसका एक पार्ट है, पर इसमें और छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन है किसानों के, वो सारे मिलके इसको सफल बनाएंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी।